नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ातरीन खबर पर एक नज़र। जिला झांसी के थाना बबीना अंतर्गत ग्राम तेंदुवारा हीरापुर में शनिवार की शाम करीब 7 बजे जानवर भगाते समय एक ग्रामीण तालाब में डूब गया था, जिसका आज शाम करीब 7 बजे 24 घंटे बाद शव प्राप्त हुआ, जिससे गांव में हाहाकार मच गया है तो वहीं परिवार में मातम छा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बबीना थाना अंतर्गत ग्राम तेंदुवारा हीरापुर निवासी चंदन सिंह पुत्र भागीरथ खेत से जानवर भगाते समय पास में ही बने तालाब में डूब गया था। हालांकि चंदन तैरना जानता था, लेकिन गहराई में पहुंचने के बाद वह अपना संतुलन खो बैठा और तालाब में ही डूब गया, जिसकी तलाश शनिवार शाम 7 बजे से ही ग्रामीणों और बबीना थाना पुलिस कर रही थी, लेकिन आज शाम करीब 7 बजे भारी मशक्कत के बाद गोताखोरों को मृतक चंदन सिंह का शव मिल गया। तालाब में चंदन सिंह के शव मिलने की खबर सुनकर मृतक के परिवार में हाहाकार मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार में पत्नी समेत 3 लड़कियां और 1 लड़का है। परिवार की जिम्मेदारियां चंदन सिंह पर ही थीं। इस घटना के बाद मृतक के परिवार पर पहाड़ सा टूट पड़ा है। बबीना थाने से घटना स्थल पर पहुंचे SI राजेंद्र यादव, SI कुलदीप सोनकर और PRD विकास ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन।